हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग चंद्र सिंह में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉलम का हम लोग रेनफोर्समेंट को कैसे चेक करते हैं, उसी तरह इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग कॉलम का शटरिंग को कैसे चेक करेंगे ताकि कंक्रीट स्टार्ट हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट होता है फॉर्मवर्क क्वालिटी। हमें फॉर्मवर्क का क्वालिटी सबसे पहले चेक करना होता है। इसमें हमको मिनिमम 12 mm का प्लाईवुड का यूज़ करना चाहिए। अगर हैवी स्ट्रक्चर है तो हम लोग 18 mm या उससे ज़्यादा थिकनेस का हम लोग प्लाई का यूज़ कर सकते हैं। और प्लाई के साथ हमको योक और बैटन, वुडन बैटन जिसको मुरब्बा या पट्टी भी कहते हैं, हम लोग को इसका यूज़ करते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। और जो इनर का साइड का सरफेस होता है शटर का, वो एकदम क्लीन होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई कंक्रीट का पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो पहला होता है फॉर्मवर्क क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें चेक करना होता है, वो है शटरिंग ऑयल। हमको चेक करना है कि शटरिंग ऑयल लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि अगर शटरिंग ऑयल लगा रहेगा तो हमको डिसटरिंग करने में आसानी रहेगी और जो फिनिशिंग होगा सरफेस का वो हम लोगों को अच्छा मिलेगा। इसलिए हमको चेक करना होता है कि शटरिंग ऑयल लगा है कि नहीं लगा है। थर्ड पॉइंट है जो हमको सबसे पहले चेक करना है, वो है वर्टिकल हॉट पंप। इसमें हम लोग वर्टिकल चेक करेंगे शटरिंग का कि एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है। हमको चारों साइड का, चारों फेस का हम लोगों को प्लम्ब बॉब, आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, प्लम्ब बॉब की सहायता से हमको चेक करना होता है कि एकदम 0-0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वर्टिकल थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, 1-2 mm चलता है बस। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड जो हमको चेक करना होता है, वो होता है कॉर्नर एंगल। चारों कॉर्नर 90 डिग्री का होने चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दो पिक्चर है, नीचे वाला ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री पे कॉर्नर होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ है। फिफ्थ पॉइंट जो चेक करने वाला होता है, वो होता है कॉलम का डायगोनल। हमको कॉलम का डायगोनल देखना होता है। जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है ए सी, पहले हम लोगों को ए और सी को चेक करना पड़ेगा डिस्टेंस, और बी और डी का डिस्टेंस हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, और ये दोनों सेम होने चाहिए तो सही है, नहीं तो कॉलम रिजेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हमको शटरिंग क्लैंप को चेक करना है, क्योंकि हम लोग जब कंक्रीट करेंगे तो कॉलम पे बहुत प्रेशर आता है, तो इसके लिए प्लाई पे सपोर्ट के लिए हम लोगों को ये शटरिंग क्लैंप, जिसको लोकल लैंग्वेज में सिकंजा बोलते हैं, हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये सही से लगा है कि नहीं लगा है। और बहुत सी साइड पे टाई रोड एंड विंग नेट का भी यूज़ होता है, तो हम लोगों को वो भी देखना होता है कि वो टाइट है कि नहीं है। तो सेवन्थ पॉइंट ये है, इसको हम लोगों को बहुत ही बारीक से चेक करना होता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, हम लोगों को चेक करना है कि जो कॉलम में जो सपोर्ट है, जो प्रोपिंग हमने किया हुआ है, सपोर्ट के लिए प्रोप का यूज़ किया है, वो फुली नेल्ड है कि नहीं है वुडन प्लैंक से। हम लोग को सरफेस में वुडन प्लैंक लगाते हैं ताकि ये स्लिप ना हो प्रोप, और प्रोप को वहाँ से सपोर्ट देकर उसमें नेल से हम लोग प्रोप को फिक्स करते हैं। तो ये पूरा चेक होना पड़ता है। ये जनरली 8 पॉइंट है जो हर एक सिविल इंजीनियर या QC इंजीनियर चेक करता है साइट पे कॉलम के शटरिंग को। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।